पहले हमको हिंदुस्तान चाहिए, मुस्लिम को हम नहीं रखेंगे। तो इसी बात को लेके काफी टाइम से हम लोग हिंदू मुस्लिम नोटिस कर रहे, बट अभी किसी टाइम में हम लोग इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे, लेकिन आज प्रॉपर टाइम कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तभी आज हम लोग आवाज उठाएंगे। आप क्या है यहाँ पर? आप क्या है यहाँ पर? एसोसिएट है। क्या नाम हुआ आपका? डॉली खातून। बिहार के किशनगंज से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बीते सोमवार को किशनगंज के एक मॉल में काम करने वाली युवती से मैनेजर ने ये कह दिया कि वो मुस्लिम है, इसलिए नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। मॉल में काम करने वाली युवती ने ये आरोप लगाया है। धार्मिक आधार पर भेदभाव करने का आरोप मॉल के मैनेजर पर लगा। पूरा मामला शहर के पश्चिम पाली स्थित एक मॉल का है। इस पूरे मामले में बताया जाता है कि सोमवार की देर शाम मॉल में ही काम करने वाली एक युवती ने अपने मैनेजर लालजी गुप्ता पर ये आरोप लगाया। युवती का कहना था कि लालजी गुप्ता ने कहा कि तुम मुसलमान हो, इसलिए नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। भेदभाव किए जाने के विरोध में मॉल में कार्यरत हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के कर्मी गोलबंद हो गए। इसके बाद मैनेजर के खिलाफ जमकर हंगामा करने लगे। वहीं मॉल में काम करने वाले अन्य कर्मियों ने भी मैनेजर लालजी गुप्ता के खिलाफ रोष व्यक्त किया। कुछ कर्मियों ने मैनेजर पर मॉल में केवल हिंदू समुदाय की युवा युवतियों को छोड़ मुस्लिम समुदाय के युवा युवतियों को नौकरी में रखने से इनकार और पुराने कर्मियों को भी सेवा मुक्त करने का आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मैनेजर का अभी इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है। वहीं सोशल मीडिया पर भी लोग प्रशासन से इस मामले में संज्ञान लेने की गुहार लगा रहे हैं। गलत है, काम को धर्म से क्यों जोड़ना है? तबरेज पटेल नाम के ट्विटर हैंडल से वी मार्ट मॉल से पूछा गया, आपको मुस्लिम कर्मचारी नहीं चाहिए लेकिन मुस्लिम कस्टमर जरूर चाहिए, ऐसा ही है? एक ट्विटर यूजर ने पूछा, कोई इस मैनेजर के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज क्यों नहीं करा रहा है? नसरतुल्ला शेख नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, चिंता मत करो बहन, ये कोई हमेशा रोजी रोटी देने वाला नहीं है, इसकी जिम्मेदारी तो सबसे ऊपर सर्वोच्च मालिक ने ली है, जो सम्मान से रोजी रोटी कमाने के कई रास्ते खोलेगा, उसकी मासूमियत के लिए उसे माफ कर दो। एक ट्विटर यूजर ने पूछा, हेलो वी मार्ट, अगर आपके पास मुसलमानों को रोजगार नहीं देने की नीति है तो आपको उनसे व्यवसाय की आवश्यकता क्यों है? क्या उन्हें आपके स्टोर्स का बहिष्कार नहीं करना चाहिए? वही मॉल के मकान मालिक शम्स इम्तियाज उर्फ सन्नी ने बताया कि ये जिला सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल है, यहाँ इस तरह की सोच के व्यक्ति का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि मॉल के वरिष्ठ अधिकारियों से उनकी बात हुई है, मैनेजर को तत्काल काम से हटा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ आरोप है कि हंगामा होता देख मैनेजर लालजी गुप्ता मौके से फरार हो गए हैं। बिहार के किशनगंज से चौंकाने वाले इस मामले को आप कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।